मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे इरोरो की जो बुक है, जो बार बार मैं उसका उसके क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करता रहता हूँ, उसका वीडियो मैं बना करके आपके सामने लेके आता हूँ, तो उसी के ऊपर एक और प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये बहुत ही बेहतरीन लेकिन बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है, बेहतरीन भी है ट्रिकी प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं आपके कई जगह पे, खासकर जेई के पेपर में देखा गया है इस तरह के एपियर होते हुए, राइट। और ये जो प्रॉब्लम वो कैपेसिटेंस रिलेटेड है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर प्रोसीड करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका है, ये आपका है एनर्जी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3.3 है, प्रॉब्लम नंबर 3.114 है, राइट। ये प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं। बट वर्कआउट करने के पहले एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, हम लोगों ने काफी सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाकर के जरूर से उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, उसका यूज कीजिए, उससे लाभ लीजिए। साथ में हमारे पास जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी हमने डेवलप कर रखा है आप लोगों के लिए, जिसमें एक इरोडो वीडियो सॉल्यूशन है, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है, तो उनको जरूर जरूर से इंस्टॉल कीजिए। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं, देखते हैं वो प्रॉब्लम। कहा गया कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड, मतलब 1.0 माइक्रोफेराड, विदस्टैंड द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 6.0 किलो वोल्ट, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज जो है 6 किलो वोल्ट उसके बीच में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बेसिकली कैपेसिटर जो है बर्न कर जाएगा, ऐसा है यहाँ पे, राइट। तो इससे ज्यादा 6 किलो वोल्ट से ज्यादा उसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर एक अनदर कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2.0 माइक्रोफेराड है और उससे मैक्सिमम वोल्टेज 4 किलो वोल्ट उसके क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहा गया कि भाई कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज, व्हाट वोल्टेज विल द सिस्टम ऑफ दीज टू कैपेसिटर विदस्टैंड, कितना मैक्सिमम वोल्टेज बेसिकली ये पूरा सिस्टम सर्वाइव कर सकता है यदि उनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें तो, राइट। तो सीरीज में कनेक्शन आपको पता है कि ये हम लोग ले लेते हैं 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये है आपका 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और इसके क्रॉस हमने वोल्टेज V अप्लाई कर दिया। यदि वोल्टेज V को अप्लाई करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज V1 आएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 आएगा, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा, ये कांसेप्ट आपको पता ही है। अब यहां पे बात ये है कि हमारा जो है अप्रोच क्या होगा प्रॉब्लम का, हमारा यहां पे जो अप्रोच होगा इस प्रॉब्लम के लिए वो ये है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे और वो जो वोल्टेज है वो उसके मैक्सिमम वोल्टेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई कर देंगे और उसके थ्रू हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि भाई कि इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करना है तो वोल्टेज निकालना है, तो टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 V के इक्वल है जो कि आपको दिख ही रहा है, साथ में C1 V1 इक्वल टू C2 V2 क्योंकि इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज सेम रहेगा, तो C1 इसका जो 1 माइक्रोफेराड है, C2 यहां पे 2 माइक्रोफेराड है, हेंस V1 इक्वल टू 2 V2 एंड V1 प्लस V2 इक्वल टू V। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट V1 इक्वल टू 2V/3 या V2 इक्वल टू V/3, मतलब यदि इसके क्रॉस वोल्टेज V लगाया जाए तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो आएगा 2V/3 होगा, इसके क्रॉस V/3 होगा। अब कहा गया कि ये जो 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है इसके क्रॉस एट द मोस्ट 6 किलो वोल्ट हो, मतलब 2V/3 की वैल्यू 6 किलो वोल्ट से ज्यादा ना हो, तो 2V/3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन लग गया, तो V मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9 किलो वोल्ट, तो मैक्सिमम है मैक्सिमम वोल्टेज 9 किलो वोल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। बट यहां पे एक ट्रिकी पॉइंट क्या है वो समझिए, हम लोग जब ये 9 किलो वोल्ट इसके क्रॉस अप्लाई करेंगे तो ये देखना चाहेंगे कि वही कि C1 वाला मतलब 1 माइक्रोफेराड तो सरवाइव कर गया, तो क्या इस वोल्टेज पे 9 किलो वोल्ट पे V2 मतलब ये वाला सरवाइव करेगा ही नहीं करेगा, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/3 जो कि दे रखी है, तो 3 किलो वोल्ट हो गया। जब V की मैक्सिमम वैल्यू 9 किलो वोल्ट है तो V2 की मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 किलो वोल्ट, और जबकि ये मैक्सिमम सरवाइव कर सकता है 4 किलो वोल्ट, इसका मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया चीजें, जो मतलब ये भी सरवाइव कर जाएगा और ये भी सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि जब 9 किलो वोल्ट ये रहेगा तो ये 6 किलो वोल्ट पे रहेगा और ये 3 किलो वोल्ट पे रहेगा, राइट। तो ये सरवाइव कर गया, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं क्यों कंडीशन 2V/3 लेस देन इक्वल टू 6 लिया हूं, यहां पे आप V/3 भी ले सकते हैं कि भाई कि ये वाला वोल्टेज V/3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ये भी तो करा जा सकता है। तो यदि ये करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, 12 किलो वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज जब 12 किलो वोल्ट होगा, तो जब मैक्सिमम वोल्टेज 12 किलो वोल्ट होगा तो इसके अक्रॉस तो आपका 4 किलो वोल्ट आ जाएगा, लेकिन इसके अक्रॉस आपका जो आएगा 8 किलो वोल्ट आएगा, क्योंकि ये 4 हो गया, ये 8 किलो वोल्ट हो गया। अब ये 1 माइक्रोफेराड के क्रॉस जब ये 12 किलो वोल्ट पे रहेगा, तो 1 माइक्रोफेराड के क्रॉस जो वोल्टेज पहुंच जाएगी वो बेसिकली पहुंच जाएगी यहां पे 8 किलो वोल्ट, और 1 माइक्रोफेराड एट द मोस्ट 6 किलो वोल्ट ही सरवाइव कर सकता है।
इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा कि V by 3 must be less than equal to 4 किलो वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्टेज तो 12 किलो वोल्ट आ जाएगा, लेकिन 12 किलो वोल्ट के ऊपर C1 वाला मतलब 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 2 माइक्रोफेराड वाला कट जाएगा, इसलिए मैक्सिमम वोल्टेज यहां पे 12 किलो वोल्ट पॉसिबल नहीं है। राइट, मेन ट्रिकी पॉइंट, समझने वाली बात है, समझने वाली बात मेन ये है कि 2V by 3 less than equal to 6 लेकर के हमने काम किया, तो V आ गया, maximum voltage 9 kV, इस 9 kV पे दोनों capacitance survive कर रहा है, लेकिन V by 3 less than equal to 4 लेके काम करेंगे, तो C2 तो survive कर जाएगा, मतलब 2 microfarad वाला तो survive कर जाएगा, but 1 microfarad वाला उस case में survive नहीं कर पाएगा, इसलिए जो second condition है, V by 3 less than equal to 4 kV, हम लोग ये accept नहीं करेंगे। राइट, तो इसलिए मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज जो बनेगा वो 9 किलो वोल्ट होगा। मेन ट्रिकी पॉइंट जो मैंने बताया कि क्यों V by 3 लेस देन इक्वल टू 4 किलो वोल्ट लेके काम नहीं करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। राइट, वही बातें दिमाग में स्ट्राइक करती हैं लोगों को कि ये क्यों नहीं कर सकते, यही क्यों ले रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया। छोटा प्रॉब्लम है बट ट्रिकी प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत दफे जेई में ना एडवांस में आते हुए देखे गए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होते हैं ज्यादातर वहां पे जो आते हैं ट्रिकी या छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। राइट, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली सारी बातें आपको पसंद आई होगी, मतलब पसंद का मतलब है कि समझ में आया होगा, और लेक्चर को तब तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं किया तो, और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, और हमारे चैनल पर जाकर के कई सारे वीडियोज हैं आपकी पढ़ाई के लिए, उसका यूज कीजिए, उससे लाभ लीजिए। साथ में आप जो है हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कीजिए इरोडो वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर एंड आपका टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें नई बातें करते हैं, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका। राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं, फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन भी कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए। राइट, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें। राइट,